नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी पर दुष्कर्म का मामला, डिगोरी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, फिर वैक्सीनेशन पर ब्रेक। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी पर दुष्कर्म का मामला। विधवा महिला को अपने जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने वाले सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी के खिलाफ गिट्टी खदान पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी नटराज सोसाइटी गोरेवाड़ा निवासी राज बहादुर सिंह चौहान बताया गया। पुलिस ने 41 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता भी गिट्टी खदान थाना क्षेत्र में रहती है। 2005 में महिला के पति का देहांत हो गया, उसे 2 बेटियां हैं। पति की मौत के बाद ससुराल वालों से विवाद होने लगा। वह ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत करने थाने जा रही थी, तभी रास्ते में उसने चौहान से लिफ्ट मांगी। चौहान ने उसे थाने छोड़ा और कोई भी परेशानी होने पर मदद करने का विश्वास दिलाया। उसने दूसरे दिन चौहान पीड़िता के घर पर गए। दोबारा पीड़िता को परेशान करने पर ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इसके बाद महिला को ससुराल वालों ने परेशान नहीं किया। चौहान के प्रति महिला का सम्मान बढ़ गया। इसके बाद चौहान का घर पर आना जाना बढ़ गया। चौहान ने पीड़िता को तलाकशुदा होने की जानकारी दी थी। आए दिन पीड़िता के घर पर जाकर बच्चियों के लिए अल्पोहार आदि सामान देने से संबंध अच्छे बन गए। तो वही दूसरी ओर दिगोरी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। दिगोरी शिवार में एक 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से खलबली मच गई। किसान उत्तम राव डाब जब वह अपने खेत में खाद डालने के लिए जा रहे थे तो उनके खेत के बाजू में स्थित ब्रॉडग्लेज रेलवे लाइन का काम चालू है और यह काम कितना हुआ है यह देखने जाने पर उन्हें वहां पर एक अंदाजन 40 उम्र के आसपास व्यक्ति का शव दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना मोदा पुलिस स्टेशन के हवालदार प्रशांत काले को दी। सूचना मिलते ही मोदा पुलिस तत्काल घटनास्थल पर जाकर शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। मृतक दुबला पतला होकर उसका रंग सांवला है। उसकी ऊंचाई करीब 5 फीट 5 इंच है। तो वही तीसरी और फिर वैक्सीनेशन पर ब्रेक। कोरोना की त्रासदी कम करने के लिए सभी को वैक्सीन देने की घोषणा के साथ अभियान तो शुरू किया गया, किंतु अब न केवल अभियान लड़खड़ा रहा है बल्कि अभियान पर पूरी तरह ब्रेक भी लग गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गत 3 दिनों से किसी भी आयु वर्ग में कोविशील्ड का वैक्सीनेशन नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि सरकार की ओर से अभी भी कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध नहीं किए जाने से गुरुवार को भी महानगर पालिका के सभी सेंटर्स बंद रहने की घोषणा अति आयुक्त राम जोशी ने की। उन्होंने कहा कि किसी भी आयु वर्ग का वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।